लाडवा के एरिया में डेहा बस्ती के पास से गांजा सहित एक युवक पकड़ा गया। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। आरोपी रादौर की बस्ती देहा कॉलोनी का है। आरोपी के कब्जे से गांजा बरामद किया गया है। बता दें, नशीले पदार्थ के मामलों में सक्रिय व्यक्तियों की धरपकड़ जारी है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कुरुक्षेत्र की टीम जनपद के अंतर्गत विभिन्न एरिया में छापामारी कर रही है। उपाधीक्षक राजेश कंदोला के नेतृत्व में प्रभारी केवल सिंह ने सब इंस्पेक्टर प्रेमचंद, ASI विनोद, हेड कांस्टेबल नरेश आजाद, गुरमेल चालक करमवीर की टीम को कई एरिया में भेजा। ये टीम अनेकों स्थानों से होते हुए लाडवा की तरफ निकली। बीती रात्रि के समय पुलिस टीम लाडवा के बस अड्डा के नजदीक पहुंची। इसी दौरान जानकारी मिली, रादौर जिला यमुनानगर की डेहा बस्ती का रहने वाला युवक अपने साथ नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। ये युवक लाडवा के देहा बस्ती में देने जाएगा। भनक लगते ही मौके पर DSP जयसिंह लाडवा पहुंचे। पुलिस टीम ने इस बस्ती के नजदीक घेराबंदी कर दी। काफी देर बाद एक युवक पैदल हाथ में सामान भरे पॉलिथीन बैग को लेकर आता पाया गया। जैसे ही देहा बस्ती गली में जाने लगा, उसी समय इसे पकड़ लिया गया। DSP के समक्ष इसकी तलाशी ली गई। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 620 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम बंटी पुत्र नन्ना राम देहा बस्ती रादौर बताया। इस आरोपी ने बताया कि इस बस्ती के कई लोग इस नशे का सेवन करते हैं। इस गांजा को महंगे दामों पर बेचने के लिए ही वह आया था। दिन के समय के साथ ही शाम के वक्त भी पुलिस इस ओर रहती है, तभी पुलिस से बचने को लेकर रात के समय आने को मन उसने बना लिया था। आरोपी के खिलाफ थाना लाडवा में नशीली वस्तु अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस आरोपी को अदालत में पेश करने पुलिस ले गई। इस मामले में आगामी कार्रवाई अदालत करेगी। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।